नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी के चुनावी रण में बड़े से बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। ऐसे में राजनीतिक दलों की रैलियां जारी हैं। अगर हम बात सियासत के दिग्गज और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की करें तो सूबे की राजनीतिक तपिस पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जहां एक तरफ विरोधी खेमा सीएम योगी को घेरने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी अपने हर एक भाषण में विरोधियों को आईना दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर में सपा पर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुरानी सरकारें कब्रिस्तान पर रुपए खर्च करती थी। संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान को दे दिया गया था। संस्कृत के शिक्षकों की जगह उर्दू के अनुवादकों को नियम के खिलाफ भर्ती किया गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनाते हैं। संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए दे दिया। हम लोग आए, मुझे आश्चर्य होता था जब हमारी सरकार आई, मैंने एक सर्वे कराया कि बटेश्वर धाम है, मैं इसलिए यहां पर बोल रहा हूं इस बात को। मैंने इस बात में पूछा कि भाई आखिर संस्कृत के विद्यालयों में शिक्षक क्यों नहीं तैनात है। उन्होंने कहा पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा क्यों नहीं है, और फिर हमने आदेश किया कि हर विद्यालय में संस्कृत के अध्यापकों की तैनाती तत्काल हो और योग्यतम आचार्य रखे जाने चाहिए। और दूसरी व्यवस्था हमने उसमें दी कि संस्कृत के बच्चों के लिए जो छात्रावास में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, आश्रम पद्धति से चलाए जाने वाले उन विद्यालयों में उन छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की जाए, और अगर वह व्यवस्था आश्रम नहीं कर सकता तो उस व्यवस्था को सरकार अपने ऊपर लेगी। हर गरीब छात्र को संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था हम करेंगे और किसी भी छात्र को और किसी भी आचार्य को भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकार इस पैसे को कहां देती थी? उर्दू अनुवादक के लिए। संस्कृत के लिए शिक्षक नहीं रखना है, उर्दू अनुवादक के रूप में जरूर रखने का प्रयास होता था। और कैसे लोग रखे जाते थे जिनको स्वयं उर्दू नहीं आती थी। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने इसे लेकर बकायदा ट्वीट भी किया है और बकायदा उसमें लिखा है, जो लोग सत्ता में विगत 5 वर्षों से दूर हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए दे दिया था। सीएम ने कहा कि अटल जी 60 साल तक सक्रिय राजनीति में रहे, मगर कोई उन पर आरोप नहीं लगा सकता। विपक्ष भी उनकी तारीफ करते थे। अब जिन लोगों को 5 साल के लिए सत्ता मिलती है वो खूब लूट खसोट करते हैं। जब उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो 200 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो लोग 5 साल से सत्ता में भी नहीं हैं, तो यह रुपए कहाँ से आए? ये 200 करोड़ रुपए किसी खेत और खलिहान से नहीं आए हैं, यह जनता की कमाई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बटेश्वर में 230 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बटेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी से जुड़ी यादों को सहेजते के लिए म्यूजियम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बटेश्वर को प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बहरहाल चलते चलते आपको सीएम योगी के भाषणों के साथ छोड़ जाते हैं, सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप देखते होंगे उसमें से ज्यादा तो लोग उर्दू के जानकार नहीं है, लेकिन रखना है तो एक खाना पूर्ति करने के लिए रख दिया गया। ये जो गरीब का पैसा था, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर गरीब को उपलब्ध करा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये आवास पहले भी दिए जा सकते थे, लेकिन पहले गरीब का घर नहीं बनता था। ऐसे ही 200 करोड़ रुपए उस गरीब का इकट्ठा करके खा दिया जाता था। आज तो अन्न योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ आप लोगों को उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वाह, वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है? बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये अन्न योजना पहले भी फ्री में दी जा सकती थी, लेकिन पहले ये अन्न का पैसा, ऐसे ये 200 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं ना, ये सब गरीब का अन्न है और गरीब की आशीर्वाद में लगता है और गरीब की आ भी बहुत तेज लगती है, बहुत तेज लगती है। गरीब का के द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कामना हमेशा फलदायी होती है, और इसीलिए
पिछली सरकारें गरीब का अन्न खा जाती थी, गरीब को मिलने वाले शौचालय को पैसा खा जाते थे, गरीब को मिलने वाला आवास का पैसा खा जाते थे, गरीब के विकास के लिए होने वाली योजनाओं का लाभ स्वयं हड़प कर जाते थे। और वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को दे रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे भाइयों बहनों, मुझे यहां की विधायिका और यहां के पूर्व विधायक राजा हरिदमन सिंह जी मुझे बहुत बार कहते थे कि अटल जी की भूमि पर आपको आना है। और अटल जी की भूमि पर क्यों आना है, मैं उनसे पूछता था, भाई अटल जी के अटल जी की भूमि पर तो मैं गया ही हूं। और कहते थे देखिए अटल जी का परिवार और यहां के जो आचार्यगण हैं, ब्राह्मण समुदाय है, हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहा है, क्योंकि उनकी तपस्या के कारण, उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण यह क्षेत्र एक धाम बना और इस धाम को विकसित करने की दिशा में हम लोगों का दायित्व बनता है कि अगर हमें आज दायित्व मिला है, जिस पार्टी को अटल जी ने सींचा, रोपा और आगे एक विराट वटवृक्ष मोदी जी के नेतृत्व में, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार आगे कार्य कर रही है, उसका लाभ बटेश्वर धाम को भी प्राप्त हो, इस उद्देश्य हम लोग चाहते हैं कि बटेश्वर धाम में आप आ जाए। और भाइयों, इसीलिए सभी कार्यक्रमों का छोड़ करके आज आपको याद होगा सुशासन दिवस है। अटल जी ने अपने जीवन में जितने भी ऐसे कार्य किए जो लोक कल्याण के लिए समर्पित है, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित है, वो सुशासन की श्रेणी में आते हैं। आज हम लोगों ने प्रदेश के युवाओं के लिए, जिसमें संस्कृत के विद्यालय के बच्चे भी होंगे, स्मार्टफोन और टैबलेट की व्यवस्था के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। और लखनऊ में अटल जी की जयंती पर 60,000 नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरित किया और प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को अटल जी को समर्पित करने वाली यह योजना हम लोगों ने आज समर्पित कर दी। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अटल जी के नाम पर अनेक कार्यक्रम चला रही है। आप सब जानते हैं अटल जी के नाम पर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी हम लोग लखनऊ में स्थापित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आपने देखा होगा अटल जी की विराट प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में उस प्रतिमा का लोकार्पण कर दिया, भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों को अब उत्तम शिक्षा देने के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं और यह कार्यक्रम अटल जी के नाम पर 44 इंटर कॉलेज का भी निर्माण हो चुका है। और यही नहीं, हम लोग ने प्रदेश के अंदर, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल सुशासन पीठ की स्थापना हो, अटल स्मृति उपवन हो, अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति पुरस्कार हो, अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कानपुर डीएवी कॉलेज में जहां पर उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी वहां पर बनाने की कार्रवाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भी अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना, अटल राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में और प्रदेश के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम इकाना स्टेडियम का नाम भी हमने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम रखा है।